क्वेश्चन 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 करेगा अब क्या पूछना है? अच्छा वो ऑल राइट ठीक है. आप दोनों में से मरियम तारोन कौन है? मरियम तारोन ये है मरियम तारोन और आप उसका दोस्त है और आपका दोस्त हम इनका दोस्त है. अच्छा सो मरियम आप जब आप अब जब आपको पीएलए लोग 27 जनवरी में अबडक्ट किया था उठा के पीएलए लोग चाइनीज आर्मी आपका आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. क्लियर नहीं आ रहा हाँ 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 तो आपको मरियम हम आपका नाम ठीक तो प्रोनाउंस कर रहे हैं ना ना मरियम बोलते हैं आपको. जी जी मरियम बोलते हैं मरियम मरियम ठीक है मरियम. और आपका दोस्त का नाम क्या है? जॉनी. हाँ हाँ अच्छा तो 18 को जनवरी ओ सॉरी सो 18 जनवरी में आप कौन सा टाइम में था एग्जैक्टली? 6:30 में आप लोग हंटिंग करने गया था तो आप उसका ऊपर एक्सपीरियंस बता सकेगा कैसा हुआ था शुरू से लेके आपको अबडक करने तक का एक्सपीरियंस? कि मैं अजीब बताया ऐसे ऐसे मेरा दोस्त को पकड़ लिया चाइनीज पहले पहले वाला आके बताया फिर दूसरा दिन आके सिंगल आर्मी को बताया इनका बात इनका पिताजी को बताया इसका बात कर करके जहाँ तहाँ बताया बताने का बाद तो पहले में पहले बात क्या हुआ उसका बात हम पता नहीं उसका आगे ये बता सकते हैं मेरा दोस्त. अच्छा तो जब जब आप बता रहे जैसे कि अंधेरा हो गया था ना उस टाइम में तो कुछ फर्श क्या कुछ वो लोग वर्दी पहना था कुछ दूसरा ड्रेस पहना था अपने ही आदमी लगा था क्या कपड़ा पहना था उस समय में पीएलए उनका ड्रेस पहना था उनका ड्रेस पहना था. हाँ तो यूजुअली आप लोग का बस्ती में हंटिंग करने के लिए वो एरिया में जाता है आप लोग यूजुअली मतलब ज़्यादातर ना वो आप फर्स्ट टाइम गलती से चला गया था. हाँ दोबारा दोबारा बोलो तो. आप जो एरिया में हंटिंग करने जा रहा था शिकार करने जा रहा था जो एरिया में हेलो मरियम ऐसे कभी कभार हंटिंग करने जाते चला जाता है उसमें. अच्छा बार बार नहीं जाता है तो उसमें यूजुअली ऐसा इंटरेक्शन होता है आर्मी से इंटरेक्शन ना फर पहले कभी हुआ है बस्ती में किसी को ऐसा ना? मरियम आप फर्स्ट आदमी था. फर्स्ट आदमी मरियम था कोई किसी का अभी तक नहीं हुआ है. तो मरियम जब आपको वहां से उठा के ले गया था पीएलए लोग तो वो लोग आपको क्या भाषा में बात कर रहा था आपको कुछ समझ में आ रहा था कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था? नहीं वो तो वैसे तो वो लोग का बात को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग का लैंग्वेज ही बात कर रहा था चाइनीज वाला चाइनीज लैंग्वेज तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा था तो क्या क्या बोल रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा और मेरा लैंग्वेज से वो लोग को बात करने से वो लोग को भी समझ में नहीं आता. अच्छा तो आप क्या लैंग्वेज में बात कर रहा था आप कौन सा ट्राइब का है? हम आदि ट्राइब है और आदि से बोल रहा मैंने उन लोग को बोला आदि से भी उन लोग को बोल के देखा हम इधर हंटिंग करके आया था गलती से ये बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके आ गया ऐसे कुछ बोल रहा तो समझ में नहीं शायद नहीं आया होगा. तो आपको क्या वो लोग उठा के ले गया ना गाड़ी में घुसा के ले गया कैसे था सीन सीन जो? वैसे तो वो लोग काम को पहले बांध के थोड़ा सा जैसे एक मिनट जितना रास्ता था नमा क्या हाथ में बांधा वो लोग का क्या नहीं होते हाथ खड़ी बोलते है ना पुलिस वाला हाथ खड़ी होते ना ऐसे वाला से हमको बांध के चेहरा में मास्क डाल के पैदल ले गया. कितना बहुत दूर ले गया कितना गंदा लगा वो जगह फर्स्ट जगह पहुंचने के मेरे ख्याल से 15 मिनट इतना तक लगा होगा शायद कैंप जाने तक.
तो उसमें या ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि आपका आंख को बंद करके रखा था कुछ कपड़ा से, जी तो वो आपको जब वो एरिया में जब आपको अरेस्ट किया था चाइनीज आर्मी, तब आपका आंख को बंद किया ना, आप कैंप में पहुंचने के बाद आपका आंख को ब्लाइंड फोल्ड किया था। नहीं नहीं मतलब जब हमको पकड़ा था थोड़ा देर के लिए हमको सिर्फ खुला रखा था, उसके बाद वो लोग हमको हाथ कड़ी लगाने के बाद डायरेक्ट आँख को बंद करके कैंप तक ले गया। कैंप तक ले गए, तो आप वहां से वहां में 10 दिन तक बैठे हैं कैंप का अंदर। नहीं, 10 दिन तक नहीं, हम मेरे ख्याल से 7 दिन तक हम उधर ही कैंप में पड़ा हुआ था। उसके बाद हमको 2 दिन जर्नी कराया, 2 दिन जर्नी में हम इंडिया पहुंच गए। तो आपका जब आपको पता चल रहा था आपको कौन सा जगह ले जा रहा है बोल के, तो नहीं ऐसे तो पता नहीं था। जब हम हाँ बोलिए आप बोलिए, बोले आप बोले नहीं आप बोलिए बोलिए। पांच दिन में जब हमको ले गया था जर्नी करा था, एक बार हम वो लोग से ऐसे कुछ कार में चैन कुछ लगा रहा था क्या चक्का पे, तो वही समय को हम वो लोग को बोला इशारा करके सुसु करेगा बोल के इशारा किया, तो वो लोग हमको उतर के, जब हम उतरते समय को हम मेरा पैर जमीन पे रखते समय को हम बर्फ का ऊपर रखा था। जमीन का क्या नहीं जब हम मेरा हम कुछ नहीं, यू टेक योर टाइम, रिलैक्स करो, आराम से बोलो। तो जब आपको 10 दिन आपको रखा गया था, तो वो लोग का ट्रीटमेंट कैसे था, वो लोग टॉर्चर किया था आपको, कुछ मारा पीटा कुछ किया था आप लोगों? पहले से हम तो थोड़ा बहुत मारा, लाडो की ये सब मारा। उसके बाद दूसरा दिन से तो खाना उना अच्छा से खिलाया, कोल्ड ड्रिंक ये सब क्या क्या पिला रहा था, हम तो पीते गए और आग दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। तो कुछ ट्रीटमेंट, जब वो लोग आपको फर्स्ट 2 दिन पूरा पीता है वो लोग, मैंने एक दो बार जब हमको जब उठा के ले गया कैंप पे, उधर ही हमको एक दो लात मारा, और थोड़ा सा टॉर्चर ही वो एक्चुअली बोलने से हमको। तो जब आपको वहां पे रखा गया था, तो आपको एक बोकर बोकर लैंग्वेज में भी बात कर रहा था ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है हाँ, एक था बोकर में बात कर रहा था, पर हमको वो लोग का बोकर का भी लैंग्वेज पता नहीं है, तो हम बोला है कि हमको बोकर का लैंग्वेज पता नहीं है, आप लोग का लैंग्वेज हमको ना आदि पता है और हिंदी हिंदी बोलने से तो थोड़ा बहुत जानता है बोला, तो वो लोग को समझ में नहीं आएगा मेरा बात को, क्योंकि वो लोग का चाइनीज ही भाषा ही चलता है। तो अच्छा, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन कैसा हुआ, जब आपको बोकर भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, चाइनीज भी समझ में नहीं आ रहा था, तो कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे को? मेरा दिल कर रहा था कि क्यों समझ में, अरे दिमाग खराब हो रहा था, अगर हमको समझने से शायद हम वापस घर जा सकते हैं। तो आपको ऐसे सुनने में आया कि आपको माइनर इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक, वो भी सच है कुछ हद तक? हाँ तो ये मूवी में होते हैं ना ऐसे, क्या होता है इंग्लिश मूवी में होता है ना ऐसे तैरते ऐसे टाइप का वाला, बिना खाने का वाला वो होता है ना करंट टाइप का वाला, ऐसा वाला था शायद हमको ऐसा लगा, वहां से हमको टू टाइम शॉक दिया, उसके बाद नहीं दिया दोबारा। अच्छा, तो जब आपको न्यूज़ मिला है कि आपको वहां से घर पहुंचाने वाला है,
आपको कैसे पता चला वो लोग, फिर तब तो कैसे आपको इन्फॉर्म किया कि आपको चलो इंडिया वापस भेज रहे हैं? नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था हमको। वापस वो लोग देख कर रहे बोल के, हम तो सोच रहा था कि वो लोग का सिटी में ले जाके हमको मारने वाला है क्या बोल के। तो जो जो फोटो वायरल हुआ था जिसमें आपको सेंड किया था, मतलब इंडियन बॉर्डर में वापस भेज दिया था, उसमें आपको तो पूरा पीपीई किट पहनाया था ना, कपड़ा पूरा पहनाया था कोविड से बचने के लिए। तो आपको जब अबडक किया था चाइनीज लोग, तब तब कुछ कोविड का मेंटेन किया था, मास्क वगैरह कुछ दिया था? जी, बहुत जैसे पर्स देखो पकड़ने के बाद दाए वहाँ से, और हमको कोविड 19 ये सब का चेक करना शुरू किया, एंडिंग तक जहाँ तक हमको चलने गया। तो जब आप पहुँच गया था वापस, तो आपका रिएक्शन माँ पिताजी को देख के कैसा कैसा महसूस हुआ आज 10 दिन के बाद 27 जनवरी को? बहुत खुशी लगा, क्योंकि जब पहले पहले चाइना वाला लोग पकड़ा था तब हम सोच रहा था, मेरा माइंड में वही था कि दोबारा तो हम इंडिया जाने नहीं मिलेगा, फिर घर वाला से भी नहीं मिल पाए, वही मेरे माइंड में था, यही मेरा आखिरी लास्ट लास्ट है, अभी तो हम कभी दोबारा घर को नहीं मिलता। फिर घर को देखने का बात, हर किसी को तो होगा ही नर्वस, क्योंकि बहुत दिन से घर पे बिना फैमिली को देख के दूसरा जितने भी ना, तो वह है ना प्रॉब्लम होता है ना। ये आप मेरा माँ नेक में क्या पहना है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, गला में क्या पहना है? ये जो है हम लोग इसको बोलते हैं लोकल लोकल से आदि आदि वाला लोग बोलते हैं रिदिन, मतलब रिश्तेदार वाला लोग, जैसे चाचा चाची बहुत सारा वो करते हैं इसको, जैसे हम लोग बोलते हैं आइट गुक दुमको बोलते हैं, जैसे हम उधर गया तो मेरा आत्मा उधर रह गया ऐसे टाइप का, तो उसको बुलाने के लिए ये सब बनाया जाता है। तो और उसमें हम लोग का रिवाज नहीं, धोनी पोलो बोलते हैं, एक वो होता है गंगिंग बोलते हैं, उसमें इसको पूजा किया जाता है, उसके बाद इसको बना जाता है। तो आप जब आपको 10 दिन वहाँ पे किडनैप करके रखा था, तो घर में कैसा सिचुएशन था, कुछ आइडिया है, कुछ आपको बताया कि ऐसा था वैसा था, कुछ शेयर कर सकता है? आने के बाद बस इधर आने के बाद सुनने में आया कि मम्मी तो बहुत रो रहा था, उसे मम्मी से तो ज्यादा दीदी ही रो रहा था बोलते, और बसिया वाला भी थोड़ा बहुत रो रहा था बोलता है मेरे लिए। अच्छा, तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जोनी को है। जोनी आप सुन रहे हैं मेरा बात? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा। हाँ, तो जोनी, जब आपको पता चला था कि आपका दोस्त को पीएलए लोग किडनैप कर दिया, तो आप सबसे पहले बस्ती में किसको बताया, कैसे कैसे पहुंचा? क्योंकि हंटिंग करने आप तो बहुत दूर चला गया था, कितना टाइम लगा बस्ती पहुंचने के लिए वापस? सिमला आर्मी कैंप में मैंने बताया ऐसे ऐसे, मेरा दोस्त को पकड़ के ले गया बोला, तो वहाँ का ऑफिसर ने शूटिंग वाला ऑफिसर को फोन किया, तो मैंने फोन में बात कर लिया, सब कुछ बता लिया। उसका फिर दूसरा दिन हम फिर वापस शूटिंग आ गया, शूटिंग आके फिर उसी आर्मी ऑफिसर को दोबारा मिला, इनका बात उनका बात फिर उनका पिताजी का हम फोन किया, आर्मी वाला बोला जाओ एडीसी ऑफिस में कंप्लेन करो बोले, तो हम जाके उसका पिताजी न जाने से पहले उनका पिताजी का हम ये किया फोन किया, फोन करके एडीसी ऑफिस में गया, एडीसी ऑफिस में कंप्लेन किया, उसके बाद फिर पुलिस थाना गया, पुलिस थाना में कंप्लेन भी किया। तो आपका ये जो प्रोसेस इनका हाँ, तो लास्ट में आप कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बोल रहा था? नहीं नहीं, इनका जो फोटो सब तो मांग रहा था वो सब मैं हम सबको शेयर किया था इनका फोटो भी। अच्छा, तो आप वो जब इनको इनको पीएलए उठा के लेने तक आप मदद, जब तक आपका जो पुलिस स्टेशन पहुंचने तक कितना टाइम लगा? ऐसे कवर वहाँ से सिंगना से जब कवर देते समय तो दो दो तीन घंटा में हम दो तीन फोन में कवर कर लिया था, इनका बात फिर वहाँ से आने में फिर 5-6 घंटा लग गया, और होते होते 8-9 घंटा तो लग ही गया पुलिस स्टेशन एडीसी ऑफिस जाने में।
तो मतलब ऑलमोस्ट एक दिन लग गया पुलिस को कवर 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 पहुंचने के लिए कि आपका दोस्त को चाइनीज पीएलए ने अबडक्ट किया है। हाँ, एक दिन तो लग ही गया। एक दिन पूरा लग गया। आपका आसपास में मेरा आपका पेरेंट्स है अभी आसपास? अभी नहीं, इनका पेरेंट नहीं है, कोई नहीं, नहीं इनका भी, वो अच्छा, किचन में रहने में, वो घर में अभी। किचन तो अभी जॉनी, अभी आपको आपका दोस्त आफ्टर 10 डेज वापस आए, दूसरा कंट्री वापस से। आप बहुत मेहनत भी किया, पूरा एक दिन लगाया अथॉरिटी को बताने के लिए कि आपका दोस्त को किडनैप किया गया था। तो अभी आपको कैसे लग रहा है दोस्त को वापस मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी 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 हुआ अपना दोस्त को मिलके। कितना एक्सपेक्ट किया था देखने मिलेगा? वापस मिलने वाले? हाँ, किया था, क्योंकि मैं पकड़ते हुए देखा था। अच्छा जिसको पकड़ता है उसको मारा नहीं जाता है, मिल ही जाता है। हाउ स्वीट। तो मीरम, आपको घर वापस आके कैसा लग रहा है वापस इंडिया आके? बहुत मीरम, आपको वापस इंडिया आके कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रहा है, घर वाले फैमिली वाले से देखने को मिल रहा है। अच्छा चलो, ओके, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग भी बहुत खुशी हुआ जब हम लोग को न्यूज़ मिले कि आप वापस इंडिया आ गया बोल के। आपको जी ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और आप अभी बहुत ट्रॉमा से भी जा रहा होगा, जैसा आपको अभी ट्रीटमेंट मिला था पीएलए का कैंप में। तो हम लोग भी यहाँ से प्रे करते हैं कि आप जी जल्दी रिकवर हो जाओ उससे। आपका माँ पिताजी के लिए भी विल प्रे फॉर योर माम एंड दैट एज वेल। हमें भी थैंक यू सो बहुत मच अच्छा लगा स्पीस आपसे के साथ बात मिलकर। करने के लिए 10 स्पीस चैनल में। थैंक यू चलो, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय बाय।